अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वक्त हम नारान में जो है इंटर हो रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से खूबसूरत सा व्यू नारान का, और यहाँ से अंदर दाखिल होंगे। जब हम 2017 में आए थे, मुझे याद है, तो यहाँ पे ग्लेशियर था और यहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई थी। अभी इस साल कह रहे हैं कि ज़्यादा बर्फ़बारी नहीं हुई, इसलिए रास्ते जो है सारे साफ़ हैं। ये देखिए, ये नारान में है, यहाँ से हम इंटर होंगे। बहुत ही प्यारा रास्ता है, बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। यहाँ से आप नारान जो है देख सकते हैं फ्रेंड्स। हम जा रहे हैं नारान के अंदर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स नारान आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल हम करीब ही हैं, बस पहुँचने ही वाले हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मौसम है यहाँ पे। ये सामने थोड़ी सी बर्फ़ है, यहाँ पे देख सकते हैं प्यारा सा व्यू है। ये देखें फ्रेंड्स, फ्रेंड्स इस वक्त हम नारान के अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये ऐसे पकड़ा ना सारा, बस ठीक है। आप अगर से आपके अंदर थोड़ा है जी जी, आप अपनी कमेंट्री भी करते जाए। मैं समझ रहा हूँ, ये नारान का बाजार है। सामने इस साल पानी बहुत कम है क्योंकि बर्फ़बारी कम हुई है और बर्फ़ पिघलने का अमल बहुत सुस्त है। सर आप अपना प्लीज तारा भी करा देना जी जी। मैं ये भाई मोहतरम की अचानक की मुलाकात हुई है। मैं वाकेंट में होता हूँ और एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स पढ़ाता हूँ वहाँ पे। एफ जी डिग्री फिजिक्स पढ़ाता हूँ वहाँ पे, एफ जी डिग्री कॉलेज वाकेंट में। यहाँ पे मैं छुट्टियाँ गुजारने आया हुआ हूँ। यहाँ पे भी मेरा गाँव है नारान के साथ ही, चंबर नाम से। तो वहाँ से मैं नारान आ रहा था कि इनसे मुलाकात हुई। ये अभी आप नारान के सामने ऊपर कुछ देख रहे हैं, ये खूबसूरत व्यू, और इस साइड पे जी जी बहुत ही प्यारा व्यू है और बहुत प्यारा मौसम है। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, टेम्परेचर बिलो 20 है और बहुत ही अच्छा मौसम है यहाँ। फ्रेंड्स आप ऊँचे ऊँचे पहाड़ देख सकते हैं और इनके ऊपर सरसब्ज पहाड़ है, घने जंगलात इनके ऊपर है। ये सामने जो पहाड़ी है इस पे जंगली जो परिंदे हैं के दिनों में यहाँ पे, और जी जी सामने की पहाड़ियों में। ये तकरीबन अब हम बाजार की बाजार में दाखिल हो रहे हैं। ये सामने होटल नज़र आ रहे हैं तमाम आपको, और यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ जो है आपको मिली है सर। हर किस्म का होटल यहाँ अवेलेबल है और आप जिस तरह भी रहना चाहें, वीआईपी किस्म का होटल भी अवेलेबल है और तमाम सहूलियतें मुझे सर।